पाउडर वहाँ भी यूज होता है, ये नहीं पता था। क्योंकि अभी हमारे पास शार्पनर नहीं है, तो ये मैं पहले लेके आए के बाहर लगा रही हूँ। यहाँ पे प्लेस कर दिया, इधर प्रोडक्ट प्लेस करा एंड देन सर्कुलर मोशन और मैं ब्लेंड कर रही हूँ। यहाँ लगा के मैं क्रीज पे ला रही हूँ प्रोडक्ट, यहाँ लगाया क्रीज पे लेकर आई, सर्कुलर मोशन दिख रहा है सबको। ये आप जितना डार्क चाहो उतना डार्क कर सकते हो। सो आई विल टेक मोर, आई विल प्लेस द प्रोडक्ट फर्स्ट देन ब्लेंड इट, आई विल ब्लेंड द कॉन्टोरिंग पाउडर। कोई भी कलर यूज कर सकते हो, जो बाकी जितने भी कलर्स हैं, ये आप ब्लू से भी कर सकते हो, किसी भी कलर से कर सकते हो। सो आई एम टेकिंग गोल्ड, टेकिंग इट ऑन द ब्रश, सेम टेक्निक, डायरेक्टली लगा सकते हो, ब्रश से भी लगा सकते हो। और मैं इनर कॉर्नर पे लगा रही हूँ पहले एंड देन ब्लेंडिंग इट आउटवर्ड्स। जितना ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए आप उतना ज्यादा लेके लगा सकते हैं। यहाँ प्लेस करा टैपिंग मोशन एंड देन ब्लेंडिंग इट आउट। शाइन कर दे, क्लियर है, देखो नींद आएगी तो मुझे बताना। दिखेगा ही नहीं, डार्क का नहीं है वो, दिखता नहीं है, नो पॉइंट, वो अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए हम ब्लेंडिंग करते हैं। इसमें आप ब्लेंडेड भी कर सकते हो, नॉर्मल भी कर सकते हो, जब आपके लाइट आए। I will do blended. So liner लगा के I will just smudge it back and forth. वहां मैं बहुत ही आराम जाएगा, तो मैं सिर्फ वहां प्लेस कर रही हूँ प्रोडक्ट और सॉरी ब्रश एंड देन मैं स्वाइप कर रही हूँ, स्ट्रोक लाइक, हाँ जस्ट स्वाइपिंग मोशन। जैसे हम टिक करते हैं ना, बहुत ही सॉफ्टली मैं यहाँ ऐसे ब्रश रखा एंड देन हल्का सा उसी जगह माइक्रोनिकल लाइक, हाँ जी ओके। क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने डार्क करा है, तो अगर वो फैल भी जाए, वो ऊपर तक भी हो जाएगा तो अच्छा ही है, क्योंकि मेरा मेकअप और अच्छा लगेगा डार्क होगा। ओपन, लुक स्ट्रेट, स्ट्रेट। सो अब इसको अगर मैं और लाइनर को डार्क करूँ, तो मैं लिक्विड लाइनर लूंगी, हमारा इंटेंस कलर लाइनर, ये ऑप्शनल है। ये मैं आपको सारे तरीके बता रही हूँ कि आप क्या क्या कर सकते, इसमें से क्या क्या करना है वो आपके कंफर्ट लेवल पे, आपकी चॉइस पे, ठीक है, क्लियर है? यस यस यस। ऐसे तो नहीं जा रहा? नहीं नहीं नहीं, परफेक्ट जाएगा ये, हमें प्यार से बता रहे हो, फिर से ऊपर जाएगा डायरेक्ट अंदर जाएगा। तो ये मैं बहुत ही थोड़ा सा लगाऊंगी क्लोज,
सिर्फ लैश लाइन के पास, क्योंकि मुझे सिर्फ डार्क करना है। नहीं के नीचे, नल के नीचे हाथ धर दिया फिर भी ये नहीं जा रहा है। बहुत अच्छा है ये वाला। अभी ये देखना मैं काजल कैसे लगा रही हूँ, नीचे कैसे ब्लेंड करूंगी, ये क्वेश्चन था ना। सो मैं एक जगह अच्छे से स्क्रिबल करूँ तो जो बाहर निकल रहा है, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट दैट। कभी आप कर रहे हो, आपको बाहर नहीं लगाना, बाहर निकल जाए तो ब्लेंड कर दो। साफ करने में मेहनत करोगे उसको ब्लेंड कर दो। सो मेकअप में आप सॉफ्ट है तो मैं सॉफ्ट ही कर रही हूँ, मैं इसमें ज्यादा ऐड नहीं करूँ। ये मैं आईलैश के रूट से लगाऊंगी, रूट से लगा के लैशेस को कर्ल एंड वॉल्यूम मिलता है। कोई बाहर बोल सकता है एक टेप चाहिए मुझे सेलो टेप? आपके नेल्स भी लग रहे हैं। हाँ, ये हम इसलिए रखते हैं ताकि हमारे नेल पे आए, आई मेकअप खराब ना हो। और मस्कारा जितना ज्यादा करो उतना ज्यादा अच्छा है। काफी लोगों को मिथ है कि मस्कारा ज्यादा करने से आईलैशेस गिर जाती है, उल्टा टोनिक भी हटाया जाता है मस्कारा को। उसको प्रॉपर गीला कर देती हूं जो लैशेस आते हैं वो लगा के भी बस तब हो सकता है। कशिश मैम, हाँ जी, बस करा प्रॉपर में हटा रहा है तो तब लैशेस गिरेगा। अच्छे से उसको सोप करना है पहले। इजी स्टेप, मैं अभी मेकअप रिमूवर लेके हटाने बैठूंगी तो मुझे लग जाएंगे 10 मिनट, ठीक है, और वो पूरा भी नहीं हटेगा। वेरी गुड, वेरी गुड टेक्निक मैम, वेरी गुड टेक्निक। पर मैम ये नीचे का जो हमने सीरम लगाया वो थोड़ा डल लग रहा है। हाँ, समझ में पड़ी है। इसलिए मैं पहले हाथ पे कर रही हूँ ताकि उतना स्ट्रॉन्ग वो स्किन पे ना जाए। दिस विल टेक ऑफ ऑल, दादा नहीं गिरा तो इट वोंट टेक टाइम। Doubts about eyes? No. आपने जो